गणेश दत्त मिश्रा आज मीडिया के सामने मुख्तार अंसारी के करीबी में आपकी गिनती होती है और लगातार आपके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, क्या कहेंगे सर? मुख्तार अंसारी के करीबी वही तो करेंगे, पैमाना क्या है मुख्तार अंसारी के करीबी होने का? मैं कहीं से उनके साथ किसी केस में जुड़ा हूं या मैं कहीं भी उनके साथ किसी जमीन जायदाद में पार्टनर हूं, कहीं भी कोई प्रमाण तो चाहिए हमारा मुख्तार के करीबी होने का। प्रमाण तो यह है कि ना उनके रिश्तेदार मैं हूं, तो फिर कौन सा मैं मुख्तार अंसारी के करीबी नहीं हूं? 50,000 जैसे लोग उनके अपने हैं, 3-4 विधानसभा उनकी है और लोकसभा उनका है, तो 50,000 लोग उनसे जुड़े हैं, उसमें मैं भी हूं। जिस तरीके से शासन के निर्देश पर गणेश दत्त मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, बिल्डिंग गिरा देना, अभी फिलहाल मऊ में जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, इसमें क्या करना है? बिल्डिंग गिरा देना, ये तो मानसिक स्तर के, जो योगी जी जिस मानसिक स्तर के हैं, उन्होंने मुसलमान और हिंदू करते करते ब्राह्मण और ठाकुर करने लगे, तो उसी तरह के अधिकारियों को, अपने स्वजाति अधिकारियों को भेज करके जो चाहे वो कार्रवाई किसी पर किए और जो भी मजबूत ब्राह्मण है उसको डैमेज किए। क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा लगता है? इसके पीछे मंशा ये है कि ब्राह्मण कमजोर हो जाए और जो उनके 80 करोड़ जनता को जो दे रहे हैं 5 किलो गेहूं और चना, वो ही लेने लगे। उनका मानसिकता तो यही है ब्राह्मणों के प्रति। चर्चा यह है कि आप चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ने वाले हैं। मेरा चर्चा नहीं, अखिलेश जी ने कहा है, ये LIU की रिपोर्ट है, उसी के हिसाब से मेरे ऊपर अब कार्रवाई हो रही है। लेकिन मेरे ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे, वहां मऊ में मेरा जिस जमीन पर कार्रवाई हुई है उससे मेरा कुछ लेना ही देना नहीं। मैं उस जमीन को तो आप ही लोगों के द्वारा जाना कि मेरी भी वहां जमीन है, मुझे आश्चर्य हुआ। 6 नंबर सिकठिया मेरी जमीन है, ये मुझे आश्चर्य हुआ। इस तरह की कार्रवाई से आप क्या मतलब करते हैं? मेरी इस तरह की कार्रवाई से सरकार समझे कि उसका क्या नुकसान हो रहा है, उसको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जितना मैं मीडिया को बाइक देता हूँ, मेरे ऊपर जितना अनैतिक काम हो रहा है उस पर मैं बाइक देता हूँ, और सब ब्राह्मण भी समझता होगा, अदर बैकवर्ड भी समझता होगा कि कितना हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो ये मीडिया को भी समझना चाहिए, अगर गोदी मीडिया नहीं है तो। अचानक गणेश दत्त मिश्रा मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, क्या जरूरत पड़ी? मुझे कल पता चला, आप लोगों के द्वारा ही मुझे कल पता चला कि मेरे ऊपर मऊ में किसी जमीन पर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, वहाँ के DM और सिटी मजिस्ट्रेट बयान दे रहे हैं गणेश मिश्रा के खिलाफ कि उनकी 50 करोड़, कोई कह रहा है कोई 75 करोड़ बोल रहा है, आपस में इसमें भी कंट्रोडक्शन है दोनों DM और सिटी मजिस्ट्रेट के। तो ये बार बार ये इस तरह की बात आई, तब हमको आना पड़ा अपने सफाई देने के लिए कि मेरा कुछ है ये नहीं है, अगर कहीं से कोई पेपर उसमें निकाल दें मेरे नाम से तो मैं मान लूँगा कि हाँ ठीक है मेरे ऊपर कार्रवाई हुई।